why you should use the correct gemstone. The use of correct gemstone can bring outstanding achievement in life. जब आप एक करेक्ट जेमस्टोन पहनेंगे तभी जिस मकसद से आप वो जेमस्टोन पहन रहे हैं तभी वो फुलफिल होगा. जब ये सारी चीज़ आप फॉलो करेंगे, एक करेक्ट जेमस्टोन इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि जेमस्टोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव. तो एक एक्सपेंसिव, एक महंगा पत्थर पहनने से पहले अगर आप जांच कर लें कि ये पत्थर आपके लिए करेक्ट है तभी आप वो पत्थर को बाय करें, वरना इतने सारे पैसे डालकर वो पत्थर अगर आपको करेक्ट नहीं है या इनकरेक्ट पत्थर आप पहन रहे हैं तो आपका पूरा पैसा वेस्ट है. सेकेंड पॉइंट, द जेमस्टोन कैन हैव नेगेटिव इन्फ्लुएंस. अगर आप एक गलत पत्थर पहन रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लू सफ़ायर रख लो, अगर आपके बर्थ चार्ट को ब्लू सफ़ायर मैच नहीं करता है फिर भी आप ब्लू सफ़ायर पहन रखे हैं तो उसका आप पर गलत इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है आपके साथ. थर्ड पॉइंट, कभी भी सस्ता पत्थर ना ख़रीदें. अगर आप के पास पैसा नहीं है या फिर कम पैसा है, थोड़े लोग सोच लेते हैं कि सस्ता पत्थर ख़रीद लें और पहन लें, शायद वो काम करें, ऐसा कुछ सोच के सस्ता पत्थर ख़रीद लेते हैं. तो गाइस जान लीजिए, सस्ता पत्थर कभी भी काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें वो ग्रेविटी, जितनी ग्रेविटी जेमस्टोन में होनी चाहिए उतनी ग्रेविटी वो जेमस्टोन में नहीं होती है. तो सस्ता पत्थर पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है. फिर भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे हमारा काम हो जाए और बाद में गिला शिकवा करते हैं कि इससे कोई काम नहीं हो रहा है, तो फ़ायदा नहीं है. सो द लो क्वालिटी जेमस्टोन माइट नॉट बी इफेक्टिव. थर्ड पॉइंट, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ जेम्स. अगर आप दो पत्थर एक साथ पहन रखे हैं, अगर उसका कॉम्बिनेशन गलत है फिर भी वो काम नहीं करेगा, तब भी वो नेगेटिव ही काम करेगा. क्योंकि जो जेमस्टोन आप पहनते हैं तो एस्ट्रोलॉजर वो जेमस्टोन आपको आपके बुर्ज के हिसाब से, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से वो पत्थर देता है. अगर ये कॉम्बिनेशन गलत है, अगर आपके वो प्लैनेट एक दूसरे के दुश्मन हैं तब भी आपको वो गलत ही काम करेगा. रॉन्ग कॉम्बिनेशन पहनने से भी आपको जेमस्टोन आपका वो अचीवमेंट जिस मकसद के लिए आप पहने हैं वो नहीं होगा. फोर्थ पॉइंट, आजकल बहुत मुश्किल हो गया है असली पत्थर और नकली पत्थर को पहचानना. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ओरिजिनल एंड द फेक वन. लकीली द कंप्यूटर हैज़ बीन अ बून. जब भी एक पत्थर लें, लैब टेस्टेड ही लें ताकि आपको भी भरोसा हो जो पत्थर आप पहन रखे हैं वो ओरिजिनल ही है. फिफ्थ पॉइंट, नेवर यूज द जेम स्टोन दैट वॉज यूज बाई समवन एल्स. कभी भी दूसरे का इस्तेमाल हुआ गया पत्थर या रिंग ना पहने, क्योंकि अगर आप एक यूज्ड पत्थर या फिर आप एक यूज्ड रिंग पहनते हैं, हो सकता है उस आदमी का गुड लक या बैड लक, ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है. अगर बैड लक आ जाए तो वो बहुत ख़राब है. इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में एक यूज्ड पत्थर और या फिर एक यूज्ड रिंग इस्तेमाल करने को मना किया गया है. एंड सिक्स्थ पॉइंट, इट हैज़ टू बी वोन इन एन ऑस्पिशियस टाइम. हर एक जेमस्टोन का उसका एक टाइम होता है और उसकी एक उंगली होती है, उसी के हिसाब से पत्थर पहने, इंशाल्लाह तब भी वो पत्थर आपके लिए अच्छा ही काम करेगा. तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. खुदा हाफिज़.